प्रदेश में विधायक खरीद फरोख्त के मामले को लेकर वायरल ऑडियो से सियासी हलचल और अधिक तेज हो गई है। ऑडियो में माकपा विधायक बलवान पूनिया का नाम भी जिक्र में लिया गया, तो वहीं एक माकपा विधायक से संपर्क नहीं हो रहा है। ऐसे में उसे पायलट खेमे में ले जाने की बात सामने आई है। इन सभी मुद्दों पर विधायक बलवान पूनिया ने खास बातचीत की एवन टीवी के साथ। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है, इसी बीच राजस्थान की सियासत के बीच जो ऑडियो टेप जारी है उनमें कई कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के नाम सामने हैं। इसी बीच में जो माकपा विधायक बलवान पूनिया है उनका भी नाम सामने आया, हमारे साथ वो मौजूद है। किस तरह जो ऑडियो टेप आया वायरल हुआ उसमें आपका भी नाम आया, क्या वाकई में आपसे इस तरह की बात हुई या फिर जो नाम सामने आ रहा है तो वाकई में सही है या फिर क्या कहा जा सकता है उसके बारे में? भाई जिस तरीके से इन्होंने नाम लेने का दुस्साहस किया है मैं इसकी न सिर्फ निंदा करता हूं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आपने गलत आदमी को छेड़ लिया, ऐसी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया है हमारे इलाके में कहावत है, पहले तो खोया आप घर फिर खोया बाप घर, पड़ोसी का खोने चली, तो खुद तो खत्म हो गए। ये हमारी किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की जो लड़ाई हमने राजस्थान की विधानसभा में लड़ी है और सड़कों पर लड़ी है, हमारी प्रतिष्ठा खराब करने का इन्होंने प्रयास और दुस्साहस किया। मैं कहता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता और इस प्रदेश के नौजवान और किसान जिनके साथ हम खड़े हैं वो इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, हम भी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो क्या आपके अलावा क्या माकपा के किन्हीं और विधायकों के साथ उन्होंने संपर्क किया है? मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे दूसरे साथी से उन्होंने संपर्क किया हो। मुझे दूसरे साथी ने यह बताया था कि अभी हम विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस दिन पार्टी आह्वान करेगी जयपुर आने का हम जयपुर आएंगे, पार्टी के कायदे कानून को बात को व्हिप को माने। आपने कहा आपके एक विधायक को भी कैद कर रखा है, क्या कारण है, क्या उनसे? मैं नहीं कह रहा ये बात, साथियों ने प्रश्न किया था कि आपके विधायक को उन्होंने मानेसर में कैद कर रखा है। मैं कहता हूँ ऐसा कोई बात है तो जनता के सामने लाए, दिखाएं, हिम्मत करें, लेकिन मुझे कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे विधायक को उन्होंने कोई कैद कर रखा है। जिस दिन प्रमाण होगा तो हम सरकार से मांग करेंगे राज्य और केंद्र से कि हमारे विधायक साथी को विधानसभा या उसके एमएलए हाउस या उसके विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाया जाए और उन लोगों से। तो क्या सियासी उठापटक के बीच में सरकार को बचाने के लिए किस तरह से जो माकपा की और क्या वाकई में पर्याप्त जो विधायक जो बल है वो वाकई में सरकार के पास पर्याप्त है? अभी उनके लाख कोशिश के बाद भी वो अगर कामयाब हो जाते तो मैं कहता हूँ बीजेपी को तो कोरोना में भी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में डर नहीं लगा, यहाँ भी ऐसी जल्दी कर लेते, उनके पास सामान है नहीं। अभी मौजूदा सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, फिर भी कोई नौबत आई रही हमारी मदद की जरूरत पड़ी है, फ्लोर टेस्ट में मदद करेंगे, कहाँ दिक्कत है, जरूरत पड़ी जरूर मदद करेंगे, सरकार को अपदस्थ नहीं करने देंगे चुनी हुई सरकार। तो जिस तरह से जो ऑडियो टेप आई में आपका भी नाम आया तो वाकई में आपकी ओर से भी एसओजी में या फिर जो मानहानि का केस है वो दर्ज करवाया जा सकता है इसमें? जरूरत पड़ी जरूर कराऊंगा मैं, हालांकि मैं ये नहीं समझता कि वो जिस तरीके लुच्चापन पर उतरे हुए हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, जनता जवाब देगी, शासकों को यहाँ से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से माकपा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि जिस तरह का जो उन ऑडियो टेप में उनका नाम आया है तो ऐसे में जो उनका नाम आया है उसको लेकर भी जरूरत पड़ी तो एसओजी में शिकायत भी दी जा सकती है, साथ साथ सरकार बचाने की बात को लेकर भी कहा है कि पूरी तरह से सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है और जरूरत पड़ी तो फ्लोर टेस्ट में भी उनका साथ देंगे। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश ओला A1 TV।